गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द कंप्यूटर सीरीज़। तो यहाँ पे जितने भी सारे सैम्पल पेपर्स अभी तक किए गए हैं वो सब किए जाएंगे, और एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, मतलब आसाम के जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स रहेंगे, जिसमें जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर रहेंगे उसके लिए बेनिफिशियल होगा, जो बैंक का SSC का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, रेलवेज़ के लिए, ठीक है, जहाँ पर भी कंप्यूटर रहना चाहिए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सीरीज जो है वो स्पेसिफिकली मैंने आसाम के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये जितने भी सैम्पल पेपर्स है, अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आसाम सेक्रेटरीट का कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग करेंगे 500+ क्वेश्चंस। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें ये एक बेसिक समझ लीजिए, मतलब ओवरऑल सारे क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, जो श्योर शॉट क्वेश्चंस आ सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, ठीक है, आसाम सेक्रेटरीट के कंप्यूटर ऑपरेटर में, वैसा टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और आसाम सेक्रेटरीट में भी जितने भी JAA में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कहाँ से लिए गए, जैसे आपको प्रीवियस वीडियोज में पता है, ठीक है, तो ऐसे प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए, ठीक है, कहाँ से आ सकता है, वो प्रिडिक्शन करके ये सारा सेट बनाया गया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर वॉज द UNIAC 1, ENIAC, MACH 1 या Abacus। तो इसका हो जाएगा आंसर UNIAC 1। द हाई लेवल लैंग्वेज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सी, प्रोगोल, प्रोलॉग, ADA या फिर Algol। तो ये हो जाएगा Algol, हाई लेवल लैंग्वेज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द ओनली लैंग्वेज फोरट्रान, मशीन लैंग्वेज, ADA या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा ओनली मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, ठीक है, जो जीरोज एंड वन रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। The vacuum tubes of the first generation computers were changed in the second generation computers by chips, ICs, transistors, capacitors. तो ये हो गया transistors, ये बहुत important है question. Switching devices used in first generation computer is integral circuits, VLSI, vacuum tubes, germanium transistors. तो इसका answer हो जाएगा 5C, vacuum tubes. Which of the following is the most powerful type of computer? Mini computer, micro computer, super computer या फिर super conductor या फिर super computer? तो ये हो जाएगा conductor तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा super computer. Mainframe computers are generally equal to or higher than 16-bit, 32-bit, 64-bit या फिर none of this. तो इसका answer हो जाएगा B, 32 bits, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा सा एक बात बोल देता हूँ, ठीक है, इसका वर्ड लेंथ जो रहता है, ठीक है, वो 48, 60 और 46 बिट्स रहता है, और इसका मेमोरी का जो पावर रहता है, ठीक है, मेमोरी का पावर रहेगा 1000 MB से 100 GB तक, 1000 MB से 100 GB तक, ठीक है। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन में कर नहीं रहा है तो यहाँ पे थोड़ा हॉचपॉच हो रहा है, ठीक है, पर हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो इसलिए। CD-ROM इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा, यहाँ में से कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो CD-ROM है क्या, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है, ऑडियो प्लेयर एंड इस, ये अगर यहाँ पे दिया जाएगा तो इसे ऑप्टिकल मेमोरी आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी, तब इसका आंसर करेक्ट रहेगा। इंफॉर्मेशन रिट्रायवल इज फास्टेस्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन रिट्रायवल इज फास्टेस्ट फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क।
ऑनली मेमोरी यूनिट परफॉर्मिंग रेड ऑपरेशन इज रैम रोम बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। और रोम को भी हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट? ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा सी, एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये यूज कहाँ होता है? बैंक वगैरह में यूज होता है, ठीक है। द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सी, मशीन लैंग्वेज, जिसमें रहता है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी का मतलब ही होता है 0 एंड 1, ठीक है। बाइनरी का मतलब ही होता है 0 एंड 1। वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्नोलॉजी ए टेक्निक टू अलाउ प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी टू रन। द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज यूज इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी ओनली यूज फॉर स्वैपिंग और नन ऑफ दिस। तो ये हो क्या जाएगा? ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी यूज फॉर स्वैपिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम सीपीयू रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड्स? तो ये हो जाएगा सी, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में ये सब चीजें रहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट, ठीक है। जहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, और मेमोरी क्या है? थोड़े टाइम के लिए याद रखता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट है, अभी देखो यहाँ पे बाइट्स है, तो ये हो क्या जाएगा? तो ये हो जाएगा किलोबाइट्स, ठीक है। और अगर पूछे 1 byte कितना होता है, 1 byte कितना होता है? 1 byte होता है 8 bit। तो 1 KB क्या होगा? 1 KB क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1024 बाइट। ये हो जाता है एक्चुअल आंसर, ठीक है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल्स द ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट इज ऑपरेटेड फ्रॉम द कंट्रोल पैनल कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डेटा एंटरिंग द सिस्टम। तो सीपीयू का काम क्या हो जाता है? कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। Which of the following is not a hardware? Printer, video terminal, assembler, magnetic tape. ठीक है, नॉट ए हार्डवेयर पूछा है, हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा असेंबलर, ठीक है, जो कि हार्डवेयर नहीं है। ए सी पी यू कंसिस्ट ऑफ ALU कंट्रोल्स यूनिट एंड रजिस्टर्स ऑल एंड कंट्रोल यूनिट या फिर नन ऑफ दिस। तो arithmetic and logic unit, control unit and registers, तो ये हो जाएगा answer। RAM is read only memory, read and write memory, write only memory या फिर none of this, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो ROM हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे RAM हो जाएगा none of this। RAM actually है क्या? Random access memory, random access memory। तो इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। रोम हो गया परमानेंट मेमोरी, ये हो गया टेम्पररी मेमोरी। ए लाइट पेन इज एन ऑप्टिकल स्कैनर यूज मैग्नेटिक इंक ए पॉइंटिंग डिवाइस या फिर नन ऑफ दिस। तो 21 का हो जाएगा एक लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, पेन की तरह, जैसे अभी ये वाला देखो पेन, ठीक है, ये पॉइंटिंग डिवाइस, मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक पॉइंटिंग डिवाइस। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं अगर पूछा गया तो? जैसे कीबोर्ड, ऐसा अगर ऑप्शन दिया गया, लाइट पेन इज यूज इन कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, ठीक है। तब ए कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ
सॉफ्टवेयर ओनली, हार्डवेयर ओनली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओनली, या फिर नन ऑफ दिस। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है, इसमें हार्डवेयर भी रहता है सॉफ्टवेयर भी रहता है, ठीक है, तभी चलता है। द नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड ए बाइट, बीट एंड एड्रेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा एन एड्रेस, एक नंबर रहेगा अंदर अगर स्टोरेज में, ठीक है, जैसे 110111, ये कहीं पे एक लोकेशन दर्शाता है। सुपर कंप्यूटर्स आर प्राइमरीली यूज फॉर डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट, इंटेंसिव प्रोसेसिंग, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक applications. A CD ROM is an optical ROM, an erasable ROM, a magnetic ROM, या फिर none of this. तो ये हो जाएगा an optical ROM. Data are stored serially in CD ROM by using spiral tracks, concentric tracks, concentric or spiral tracks, या फिर none of this. तो इसका हो जाएगा spiral tracks. जैसे अगर टेलीफोन में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक है, डाटा स्टोर्ड सीरियल इन सीरियल बाय यूजिंग स्पाइरल ट्रैक्स। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज द कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू, सिस्टम यूनिट। तो ये हो जाएगा कीबोर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम किस में करते हैं, कीबोर्ड। The computer device primarily used to provide hard copy is the line printer, CRT, card reader, computer console. The computer device primarily used to provide hard copy is the hard copy line printer, ठीक है, CRT हो गया, monitor हो गया, card reader, input device हो गया, ठीक है, computer console, ये भी gaming हो गया। तो लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक हम लोग को आउटपुट देगा जो हार्ड कॉपी देगा, ठीक है। रैम इज ए कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड टू एक्सेस मेमोरी, रेडीली अवेलेबल मेमोरी, रीड एट टाइम मेमोरी। तो रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसका करेक्ट हो गया। सेमी कंडक्टर मेमोरी इज नोन एज, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट थोड़ा अजीब है, रोम, रैम, प्रॉम, या फिर एफ प्रॉम, ठीक है। तो ये 30 का हो जाएगा बी रैम। तो यहाँ पे पूछा क्या था, सेमीकंडक्टर मेमोरी इज नोन एज, सेमीकंडक्टर मेमोरी इज नोन एज रैम। तो यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 31। तो ये हो जाएगा प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वेदर माइक्रो, मेन और मेन फ्रेम मस्ट हैव ALU, CU, प्राइमरी स्टोरेज, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब क्या पूछा, प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वेदर माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम मस्ट हैव ALU, CU, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। रोम इज कंपोज ऑफ मैग्नेटिक कोर्स, फ्लॉपी डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटिक कोर्स। द ऑपरेशन ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल में बेस्ड है ये, काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, लॉजिकल, या फिर मेजरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा काउंटिंग। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा प्रिंसिपल में आधार है, काउंटिंग में। द कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इन टू वन लाइन इज मॉडिफायर,
मल्टीप्लेक्सर कंसंट्रेशन या फिर फुल डुप्लेक्स लाइन। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर, ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल इनपुट आउटपुट डिवाइस इनटू वन लाइन इज मल्टीप्लेक्सर। व्हिच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज फॉर सेंडिंग डेटा ऑन बोथ डायरेक्टरीज एट द सेम टाइम? सिंप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो ये हो जाएगा सी, फुल डुप्लेक्स। ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स, कंप्लीट फ्लो चार्ट एल्गोरिदम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, डिस्क्रीट लॉजिकल स्टेप्स। तो ये हो जाएगा ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ए कंपाइलर इज की पंच ऑपरेटर, सेम थिंग एज प्रोग्रामर, ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स ए सोर्स प्रोग्राम इन टू ए ऑब्जेक्ट कोड, ए पर्सन हू कंप्यूटर्स सोर्स प्रोग्राम्स। तो ये हो जाएगा ए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट भी है, ए कंपाइलर ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स ए सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका क्या हो जाता है, कंपाइलर। द मेथड इन विच प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय यूजिंग मोर देन वन सीपीयू इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच प्रोसेसिंग या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग, द मेथड इन विच प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय यूजिंग मोर देन वन सीपीयू, एक सीपीयू से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। कंट्रोल यूनिट इज ऑफन कॉल्ड द डैश ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, नर्व सेंटर, क्लॉक, मास्टर डिस्पैच, ऑल ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द नर्व सेंटर, क्लॉक भी कहते हैं, मास्टर डिस्पैचेस भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैम, रोम, प्रॉम या फिर एप्रॉम? वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, विच मेमोरी इज वॉलेटाइल? तो ये हो जाएगा रोम हो गया नॉन वॉलेटाइल, तो ये हो जाएगा रैम हो जाएगा वॉलेटाइल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी देखो रैम इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, ठीक है, और टेम्पररी मेमोरी, रोम इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, एंड परमानेंट मेमोरी, ये दोनों कॉम्बिनेशन याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर प्लॉटर? तो ये हो जाएगा फॉलोइंग प्रोड्यूसेस बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, लेजर प्रिंटर। इन द हार्ड डिस्क द जीरो टैक इज द इनर मोस्ट, द आउटर मोस्ट, टोटली मशीन डिपेंडेंट या फिर नन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा इन हार्ड डिस्क द जीरो टैक इज द आउटर मोस्ट। द सॉफ्ट सेक्टर्ड डिस्क इज एसोसिएटेड विद हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बोथ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क या फिर नन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा सॉफ्ट सेक्टर डिस्क इज एसोसिएटेड विद फ्लॉपी डिस्क, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स या फिर नन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा ALU, एंड और नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU। ए ट्रैक्टर व्हिच कुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ए बिजनेस, व्हिच कुड इन्फ्लुएंस ए बिजनेस बिजनेस पर्सन टू एडॉप्ट ए कंप्यूटर इज इट्स स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। पूछा क्या है, ए ट्रैक्टर व्हिच कुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ए बिजनेस पर्सन, अच्छा एक बिजनेस पर्सन को कंप्यूटर जब लेंगे, ठीक है, उसको क्या क्या चाहिए, उसमें स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी चाहिए, फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी मतलब करेक्ट सर डेटा रहना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज लिया कल खत्म हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है।
तो अभी हम लोग सेकेंड वाला सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, एक ही वीडियो में सारा ख़त्म कर देंगे जितना भी है सैम्पल पेपर्स, ठीक है। इन लैन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मशीन्स इज़ फास्ट स्लो, स्लो और फास्ट डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा फास्ट। इन लैन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मशीन्स इज़ फास्ट, ठीक है। टिपिकल डेटा ट्रांसफर रेट्स इन लैन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलोबाइट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा बी, मेगा बिट्स पर सेकेंड। टिपिकली डेटा ट्रांसफर रेट्स इन लैन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा, आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो लैन का एक फुल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। इसका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये सब जैसे तुम लोग का स्कूल के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, लैन से कनेक्टेड है। नेटवर्क फॉर्म बिटवीन कंप्यूटर स्प्रेड इन लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड लैन, पब्लिक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे क्या हो गया, वैन, ठीक है। वैन का फुल फॉर्म क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। इथरनेट यूजेस रिंग टॉपोलॉजी, बस टॉपोलॉजी, मैश टॉपोलॉजी या फिर नन ऑफ द अबव। ये भी इंपॉर्टेंट सम हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। तो ये हो जाएगा बस टॉपोलॉजी, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ए कंप्यूटर इन लैन विद रिजल्ट्स इन टोटल फेलियर ऑफ द नेटवर्क, टोटल फेलियर ऑफ द नेटवर्क और नॉन अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन इट्स टॉपोलॉजी। ओनली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट नॉन ऑपरेटेबल कंप्यूटर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ द कंप्यूटर इन लैन विल रिजल्ट इन टोटल फेलियर ऑफ द नेटवर्क और नॉन अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन इट्स टॉपोलॉजी। तो कंप्लीटली फेल हो जाएगा, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन्स ऑलवेज रिक्वायर हाई स्पीड प्रोसेसर, हाई बैंड विथ कम्युनिकेशन लिंक्स, सेम टाइप ऑफ प्रोसेसर्स या फिर नॉन ऑफ दी एबो। तो ये तो नहीं है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबो। सेलेक्ट ऑड मैन आउट इन द फॉलोइंग इथरनेट, आर्कनेट, आईबीएम, टोकन रिंग लैन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा इसका भी सेम नॉन ऑफ दिस आएगा, ठीक है, ऑड मैन आउट है ही नहीं ये सब। ए सर्वर इन लैन इज ए NIC वर्क स्टेशन विद ह्यूज सेकेंडरी स्टोरेज, डिवाइस ऑफरिंग सर्विस टू यूजर्स या फिर नन ऑफ दिस। तो सर्विस इन लैन इज ए, ये क्या है, डिवाइस ऑफरिंग सर्विस टू यूजर्स। इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन डेटा फ्रॉम वेरियस यूजर्स रिक्वायर हेडर, समटाइम्स रिक्वायर हेडर, डू नॉट रिक्वायर हेडर या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा डू नॉट रिक्वायर हेडर, ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वेरियस यूजर्स डू नॉट रिक्वायर हेडर। द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल एक्टिविटीज मस्ट पास थ्रू ए सेंट्रली लोकेटेड कंप्यूटर इज कॉल्ड ए रिंग नेटवर्क, हायरार्कियल नेटवर्क, स्पाइडर नेटवर्क या फिर डाटा कंट्रोल नेटवर्क। तो ये हो जाएगा इसका क्या आएगा, स्पाइडर नेटवर्क, ठीक है। स्पाइडर नेटवर्क जैसे हो गया स्टार नेटवर्क, ठीक है, अगर स्टार नेटवर्क भी रहेगा वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क, मॉडेम, प्रिंटर, कंप्यूटर या फिर केबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है, लैन में हम लोग प्रिंटर यूज़ नहीं करते, मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, केबल चाहिए। FDDI इज ए रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क या फिर मैश नेटवर्क। तो ये हो जाएगा FDDI इज ए रिंग नेटवर्क। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू लैन बाय केबल एंड स्पेशल वायर्स, टेलीफोन वायर्स, मॉडेम या फिर इंटरफेस कार्ड। तो ये हो जाएगा इंटरफेस कार्ड, आर कनेक्टेड टू लैन बाय केबल एंड ए इंटरफेस कार्ड। ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल एक्टिविटीज मस्ट पास थ्रू ए सेंट्रली लोकेटेड कंप्यूटर इज कॉल्ड स्पाइडर नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क या फिर
रिंग नेटवर्क, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑल द एक्टिविटीज पॉसिबल इज कॉल्ड स्पाइडर नेटवर्क। What is the name of the network topology in which there are bidirectional links between each possible node? Star, ring, mesh या फिर tree? तो ये हो जाएगा star में, ठीक है। Which is not true above for LANs? LAN operate at high speed with WANs. LANs are public networks. LANs are designed to work in a restricted geographical area. None of the above. तो ये हो जाएगा LAN आर पब्लिक नेटवर्क्स। Which of the following is least affected by addition of a workstation? Ring, bus, star या फिर tree? तो ये हो जाएगा ring. A network consists of inner connected workstation, computers, servers या फिर nodes. तो ये हो जाएगा workstations. A network consists of interconnected workstations. Which of the following is not transmission medium? Modem, telephone lines, coaxial cables या फिर satellite systems? तो ये हो जाएगा modem. It's not a transmission medium. Most flexible in how devices are wired together is provided by ring networks, star networks, bus networks, T-switch networks. तो इसका हो जाएगा bus networks. Which of the following topology is not of broadcast type? Star, ring, bus या फिर none of the above? तो ये हो जाएगा इट्स नॉट अ ब्रॉडकास्ट टाइप, तो ये हो जाएगा रिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज हाईली रिलायबल? रिंग, स्टार, फुल्ली कनेक्टेड मैश या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये हो जाएगा फुल्ली कनेक्टेड मैश। सी एस एम ए सी डी इज पॉपुलरली नोन एज एम ए यू, स्टार लैंड, एन सी, जे ट्रिपल ई स्टैंडर्ड या फिर नन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा स्टार लैन। द टोपोलॉजी ऑफ एन इथरनेट सिस्टम इज स्टार, रिंग, लीनियर बस विथ सी एस डी एम ए सी डी या फिर नन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा लीनियर बस विथ सी एस डी एम ए सी डी। फॉर डेटा कम्युनिकेशन केबल लेइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, नॉन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। फास्टर डेटा कम्युनिकेशन इज पॉसिबल व्हेन यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल फाइबर, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या फिर नॉन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। बैंड रेट इज ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ चैनल, द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड या फिर नन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ चैनल। विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड यूज फॉर सेंडिंग डेटा इज बोथ इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम? सुपर डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स? तो ये हो जाएगा सुपर डुप्लेक्स। क्या बोला था, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड यूज फॉर सेंडिंग डेटा इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम? बोथ डायरेक्शन तो फुल हो जाएगा ना, तो बोथ है तो फुल हो जाएगा। द टर्म डुप्लेक्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डेटा रिसीविंग स्टेशंस टू इको बैक ए कंफर्मिंग मैसेज टू द सेंडर इन फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर कैन नॉट टॉक एट वंस, कैन रिसीव एंड सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, कैन सेंड और रिसीव डेटा वन एट अ टाइम, कैन डू वन वे डेटा ट्रांसमिशन ओनली। पूछा गया है द टर्म डुप्लेक्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ, डुप्लेक्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सेंडिंग स्टेशन टू एन इको बैक, ठीक है, इको बैक ए कंफर्मिंग मैसेज टू द सेंडर इन फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर कैन सेंड और रिसीव डाटा एट वंस एट अ टाइम, ठीक है, दोनों एक साथ ही बातचीत कर सकते हैं। टू प्रोवाइड
हायर नोज इम्यूनिटी इन डेटा कम्युनिकेशन वी सेलेक्ट पेयर ऑफ वायर्स, पैरेलल ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल्स या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा कोएक्सियल केबल्स। टू अवॉइड नॉइस इंटरफेरेंस वायर पेयर्स यूज इन कम्युनिकेशन आर ट्विस्टेड, कैप्ड इन कवर, कैप्ड इन पैरेलल या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा ट्विस्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर नेटवर्किंग विद ए बिल्डिंग, वैन, वैन, लैन या फिर मैन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिल्डिंग जैसे अपना स्कूल हो गया, ठीक है, तो लैन हम लोग कर सकते हैं। तो अपना सेट थ्री की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इंटरफेसेस बिटवीन यूजर्स हार्डवेयर कंपोनेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट यूटिलिटी, स्पूलर, डिबगर, एडिशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा स्पूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, एनेबल ए प्रोग्रामर टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, लिंक्स ए प्रोग्राम विद द रिसर्च रूटीन्स इट रेफरेंसेस या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा प्रोवाइड्स ए लेयर्ड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या देखता है? मेमोरी देखता है, प्रोसेसर देखता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस देखता है, डिस्क देखता है। ठीक है, पिक वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोसीडियर फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या फिर लोडर। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वाइल यूजिंग द DIR कमांड्स इन DOS, यू कैन यूज सर्टेन स्विचेस विद इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज विद DIR? ठीक है, HP स्लैश W स्लैश S या फिर स्लैश T। तो ये हो जाएगा स्लैश T। इन ए बैच प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट डेटा इज प्रोसेस इमिडिएटली, एंटर डिरेक्टली विद द कंप्यूटर, कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हेल्ड इन अ टेम्पररी कंप्यूटर फाइल। तो डेटा क्या रहता है बैच प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में? तो ये हो जाएगा कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डेटा प्रोसेसिंग इज मोस्टली एसोसिएटेड विद कमर्शियल वर्क, द सेम थिंग एज डेटा कलेक्शन, एकिन टू डेटा कोडिंग, सिमिलर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये हो जाएगा एकिन टू डेटा कोडिंग। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट साइकिल एंड आउटपुट साइकिल, इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल या फिर नन ऑफ दिस। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रहता है इसमें डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में? तो इसमें रहता है आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल। द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम टू इनपुट ऑफ अनदर इज ए बॉर्डर, इंटरफेस, फीडबैक या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा इंटरफेस। मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग आउटपुट ऑफ ए सिस्टम टू इनपुट ऑफ अनदर इज इंटरफेस। एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय सिंगल CPU इज नोन एज टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा अपना मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या है? रनिंग ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग विद टू और मोर प्रोसेसेस, साइमल्टेनियस रनिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग विद टू और मोर प्रोसेसेस। द टेक्निक विच स्टोर्स ए प्रोग्राम ऑन डिस्क एंड देन ट्रांसफर द प्रोग्राम इन टू मेन स्टोरेज एज एंड वेन दे आर नीडेड इज नोन एज पुलिंग, क्रैशिंग, स्वैपिंग या फिर नन। तो ये हो जाएगा स्वैपिंग। The data processing classifies, calculating, sorting and summarizing data are connected with managing output results, manipulating of data, capturing of input data या फिर
none of this. तो ये हो जाएगा डी मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा. ए वर्ड प्रोसेसर इज सीपीयू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ए प्रोग्राम व्हिच प्रोसेसेस द वर्ड, एग्जांपल गिविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स, सॉर्टिंग ऑफ वर्ड्स एक्सेट्रा. द प्रोग्राम व्हिच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर क्रिएटिंग, व्यूइंग, एडिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है. वर्ड प्रोसेसर इज ए प्रोग्राम व्हिच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर क्रिएटिंग, व्यूइंग, एडिटिंग, मल्टीपुलेटिंग टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग. ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है. द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव डिवाइस मैनेजमेंट मॉड्यूल, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल, सीपीयू स्केड्यूलिंग मॉड्यूल या फिर नन. तो ये हो जाएगा सीपीयू स्केड्यूलिंग मॉड्यूल. द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच परमानेंटली रिसाइड्स इन मेन मेमोरीज, कर्नल, ट्रांसलेटर, जॉब स्केड्यूलिंग मॉड्यूल या फिर नन ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा कर्नल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट ए यूटिलिटी, स्पूलर, डिबगर, एडिटर या फिर नन ऑफ दिस. नॉट ए यूटिलिटी, यूटिलिटी नहीं है तो स्पूलर इज नॉट एन यूटिलिटी. द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर मे बी व्यूड एज बॉटम अप व्यू, टॉप डोमेन व्यू, बोथ ए एंड बी या फिर नन. तो ये हो जाएगा बॉटम अप व्यू. विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट यूनिक्स एंड एनवायरमेंट अंडर डी ओ एस या फिर नन ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, विंडोज इज एन एनवायरमेंट अंडर डी आई ओ एस डॉस. कंप्यूटर सेंड डेटा टू पेरिफेरियल्स विद द हेल्प ऑफ मॉडेम, सीरियल इनपुट आउटपुट इंटरफेस, पैरेलल इनपुट आउटपुट इंटरफेस या फिर नन ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा पैरेलल इनपुट आउटपुट इंटरफेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, नेटवर्क, वाइंस या फिर नन. तो ये हो जाएगा यूनिक्स, नॉट ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स. असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट या फिर नन ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है, सी इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, नन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. तो ये हो गया प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज. नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड, नॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड या फिर नन. तो ये हो जाएगा प्रोसीजर ओरिएंटेड. एंड असेंबली कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इन टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, लिंक प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम या फिर नन ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. असेंबली कन्वर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. असेंबली कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. नेटवेयर सपोर्ट्स एप्पल मशीन, मैकिंटॉश क्लाइंट्स ओनली, आईबीएम पीसी कंपेटेबल क्लाइंट्स ओनली, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा सी. नेटवेयर सपोर्ट्स एप्पल मैकिंटॉश क्लाइंट्स ओनली, आईबीएम पीसी कंपेटेबल क्लाइंट्स ओनली. ए ट्रांजैक्शन फाइल इज अ टाइप ऑफ डेटा फाइल, मास्टर फाइल, एक्सेस मेथड या फिर नन. तो ये हो जाएगा डेटा फाइल. ट्रांजैक्शन फाइल इज अ टाइप ऑफ डेटा फाइल. अच्छा, अगर आप लोग का मेरे स्पीड को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो नीचे आप जाके आप उस स्पीड को आप थोड़ा धीरे कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को इससे भी फास्ट चाहिए तो स्पीड बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो बढ़ाना घटाना वो अपने तरफ से देख लेना. ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना. नेक्स्ट, इन मॉडेम्स डिजिटल सिग्नल इज एम्पलीफाइड, सेवरल डिजिटल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स्ड, ए डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टर ऑफ ए कैरियर वेव या फिर नन ऑफ दिस. तो इसका हो जाएगा ए डिजिटल सिग्नल चेंजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरियर वेव. तो मॉडेम क्या होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल इंटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा. ठीक है, इसको कहते हैं मॉडेम्स. In TDM, several signals are sent on separate channels, several signals are sent in a time-slotted mode on channels, one signal is sent to several users या फिर none of this. तो ये हो जाएगा TDM, several signals are sent in time-slot mode on channel. तो TDM का full form क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Time Division Multiplexing, TAME, T-A-M-E, Time Division Multiplexing. ठीक है,
ईमेल इज ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेजेस मैसेज विद इन ए कंप्यूटर ट्रांजेक्शन ऑफ लेटर्स मैसेजेस एंड मेमोज ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क मेल कंसर्निंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर नन. तो ईमेल क्या है इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ऑफ लेटर्स मैसेजेस एंड मेमोज ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल. मॉडेम इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल ओनली कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल ओनली कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा या फिर नन ऑफ दिस. तो मॉडेम क्या हो जाता है अभी तो बोला था कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग. डिजिटल टू एनालॉग कहाँ पे कहीं पे है क्या डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स ओनली. ठीक है ओनली नहीं ना वाइस वर्सा होगा ना डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा तो सी हो जाएगा इसका. ठीक है मॉडेम इज यूज टू ए स्मार्ट मॉडेम इज वन विच कंटेंस माइक्रोप्रोसेसर कंटेंस एकॉस्टिक कपलर कैन वेरी ट्रांसमिशन रेट या फिर नन ऑफ दिस. तो इसका हो जाएगा कंटेंस माइक्रो प्रोसेसर. ए स्मार्ट ए मॉडेम दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू इंटर ऑटोमेटिकली. ठीक है इंटरनेट से ये क्या करता है इंटरनेट से कनेक्ट करता है ऑटोमेटिकली. ठीक है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN लाइंस प्रोवाइड ओनली वॉइस सर्किट्स ओनली डेटा सर्किट बोथ वॉइस एंड डेटा सर्किट या फिर नन ऑफ दिस. तो इसका हो जाएगा सी बोथ वॉइस एंड डेटा सर्किट्स. फॉर टॉकिंग टू इंटरनेट होस्ट कंप्यूटर द कंप्यूटर यूज TCP/IP/IPX इमुलेशन सॉफ्टवेयर या फिर नन. तो इसका हो जाएगा इमुलेशन सॉफ्टवेयर. डेटा ट्रांसफर रेट इन MS इन मोड MS इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड बिट्स पर मिनट एग्जैक्ट या फिर नन. तो ये हो जाएगा बिट्स पर सेकेंड एक सेकेंड में कितना बिट्स ट्रांसफर हो रहा है उसमें हम लोग मेजर करेंगे. ठीक है एग्जैक्ट क्या ठीक है ये क्या है अगर डेटा रहता है हायर रेट में. ठीक है एंड KVS फॉर स्मॉल रेट. ठीक है ईमेल ऑलवेज यूज ब्रिज टू सेंड मैसेज इन डिफरेंट नेटवर्क्स कैनॉट एड्रेस मेनी यूजर्स डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन गिवन टू फर्स्ट क्लास मेल या फिर नन. तो ये हो जाएगा ऑलवेज यूजेस ब्रिज टू सेंड मैसेजेस इन डिफरेंट नेटवर्क. हु गवर्न्स द इंटरनेट ISOC IAB IETF या फिर ऑल ऑफ दिस. तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है हु गवर्न्स द इंटरनेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये. द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू लॉग ऑन टू ए रिमोट मशीन HTTP स्लीप टेलनेट या फिर नन. तो ये हो जाएगा टेलनेट. ठीक है टेलनेट इस होता क्या है इसको कहते हैं टर्मिनल इमुलेशन. ठीक है इसको कहते हैं टर्मिनल इमुलेशन. ए प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर एंड इंटरनेट इज TCP/IP FTP, HTTP या फिर PPP. तो ये हो जाएगा B, FTP. ठीक है ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसाम सेक्रेटरी का क्वेश्चन एग्जाम से ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है FTP मतलब क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये क्या करता है बस फाइल को ट्रांसफर करता है. ठीक है फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म इन वन हैज एन एक्सेस टू द इंटरनेट. यू कैन सेंड मेल अक्रॉस द बाउंड्रीज इन नो टाइम. You can refer to the picture of an art gallery. You can have electronic copy of journals and magazine from the internet. So, ye ho jayega D, all of the above. Theek hai. Host and local networks in internet are grouped together in domains, host, servers, ya phir none. तो ये हो जाएगा डोमेन्स. होस्ट एंड लोकल नेटवर्क्स इंटरनेट आर ग्रुप टुगेदर इन ए डोमेन. डोमेन के अंदर रहता है. द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट नेटस्केप नेविगेटर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर
एन सी एस ए, मोजैक या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। व्हिच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू लॉग ऑन टू ए रिमोट मशीन? टेलनेट, एच टी टी पी, स्लिप या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा क्या, क्या?